Hello, good morning friends. Hi. Today we study motion in connected body. Simple 11th ka most important topic hai. Motion in connected body padhte hain. Motion in connected body hota kya hai? Aur motion in connected body hota kaise hai? Dono dekhte hain. To ek pulley se pulley ke upar question aata hai girni. Usko kehte hain girni. Girni se related kuch questions aate hain. Dekhte hain usko kaun upar jata hai kaun niche jata hai. पूरे थ्योरेटिकल पार्ट्स को हम नहीं देखते हैं, क्वेश्चंस पार्ट को देखते हैं, डेरिवेशन पार्ट्स को देखते हैं कि हम इजीली इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बिकॉज़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन. 11th का एग्जाम नहीं होता, ठीक है? 11th का एग्जाम बोर्ड का नहीं है, हम लोगों को कंपटीशन बेस के लिए देखना है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम कंपटीशन बेस पर देखते हुए देखते हैं कि कैसे बनेगा. तो पुली से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो पुली जस्ट हम जानते हैं एक स्ट्रिंग लेते हैं, इट हैव अ मास एम वन, दूसरा लेते हैं एम टू. अच्छा एक बात देखते हैं, यहाँ मोशन कनेक्टेड बॉडी, ये दोनों एक रोप से, स्ट्रिंग से, रस्सी से, धागे से कनेक्टेड है, वेट से कम, बहुत नेग्लिजिबल वेट के धागा है, ठीक है, कनेक्टेड है. एक कंडीशन और हम देते हैं इस पर, याद रखना बाबू, m1 greater than m2, m1 बड़ा है, m2 छोटा, m1 का मास ज्यादा है और m2 का मास छोटा है, कम है. तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा? और एक कितने से ऊपर जाएगा, कितना का एक्सेलरेशन होगा ऊपर जाने के लिए, इसका एक्सेलरेशन कितना से, जितना से ऊपर जाएगा उतना ही से नीचे आएगा. लेकिन आखिर होगा कैसे, इसको निकालेंगे कैसे? उसके बाद रस्सी का टेंशन क्या होगा, टी, और इसमें भी रस्सी का टेंशन क्या होगा, टी. एक बात क्लियर जानते हैं कि दोनों को अर्थ क्या चाहेगा, नीचे खींचने, अर्थ क्या चाहेगा, नीचे खींचने. तो नीचे खींचने के लिए चाहेगा, तो इसका हम क्या देखेंगे, M1 G, ओहो नीचे जा रहा है खींचने, इसको भी अर्थ क्या चाहेगा, M2 G, नीचे खींचो. तो नीचे खींचना चाहता है इसको, और इसको नीचे खींचना चाहता है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस आते हैं, क्या एलिमेंट्स निकल कर बाहर आते हैं M1 और M2 के लिए. सबसे पहले क्या देखेंगे, और M1 के लिए देखते हैं. तो M1 के लिए एक कंसेप्ट तो आपका क्लियर 100% होगा, क्या, कि M1 नीचे आ रहा है, दैट मींस ये इफेक्टिव है, इसका वेट ज्यादा होने के कारण नीचे आ रहा है, दैट मींस फोर्स ग्रेविटेशन का ज्यादा है, तो M1 G, और टेंशन कम है, जो रोक रहा है वो कम से रोक रहा है, जो नीचे जा रहा है वो ज्यादा से जा रहा है, जो रोक रहा है उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं नीचे जाने वाले के लिए, ठीक है? तो हम वैसे अब एग्जांपल में एग्जांपल अलग से लेते हैं. देखो लिपस्टिक कोई चीज हम रोक रहे हैं 50 न्यूटन से रोक रहे हैं, बट जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो 60 न्यूटन का है, तो रिजल्टेंट 10 न्यूटन से वो नीचे जाएगा. अरे अपनी औकात जो है 50 की है, किसी को रोके पकड़े खींचे, और उसको खींच रहा दूसरा 60 से, तो आप तो 50 तक मैनेज कर सकते हैं लेकिन 10 मैनेज नहीं करते, उसी से वो जा रहा है, वही फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो जा रहा है. तो हम यहां देखते हैं कि M1 जिससे नीचे आ रहा है और टेंशन इसको रोक नहीं पा रहा, टी रोक नहीं पा रहा, माइनस टी अब बराबर एफ. तो जैसे हम देखेंगे तो एम वन जी माइनस टी अब बराबर एफ इक्वल टू जानते हैं एम ए, तो एम वन ए इक्वेशन वन लिख देते हैं. फॉर सेकंड देखते हैं ना, फॉर इसके लिए बाबू एम टू, तो एम टू के लिए जैसे देखो, ओहो देखो ना टेंशन, यहाँ टेंशन जो खींचने वाला है मेरा 50 उसका 30 है, हम खींच लेंगे यार 20 से उसको. तो जैसे ही यहां देखते हैं हाँ, तो क्या देखेंगे M2G, M2G यहां हो
M2G कम इफेक्टिव है, टी ज्यादा इफेक्टिव है, दैट मींस टी माइनस M2G बराबर एफ। तो जैसे ही आप देखेंगे हम कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टी माइनस M2G आई एफ इक्वल टू एम ए, एम टू ए और इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन वन हो गया, इक्वेशन टू हो गया, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू में देखते हैं कि टी यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो नेगेटिव हो जाएगा, कंपेयर कर रहे हैं माइनस भी। तो जैसे ही आप यहाँ देखोगे तो ऐड कर सकते हैं हम, तो किसको किसको ऐड करने वाले, तो ऐड होने के लिए इससे तो कट जाएगा लेकिन हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो एम वन जी माइनस एम टू जी, और यहाँ पर दोनों जो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम वन ए प्लस एम टू ए। तो इस दोनों में से क्या बाहर सकते हैं, बहुत क्लियर कंसेप्ट है, बहुत क्लियर है, इस दोनों में से जी बाहर हो सकते हैं। एम वन माइनस एम टू और जी क्या हो गया, इस दोनों में से क्या बाहर हो सकता है, ए बाहर हो सकता है, तो एम वन प्लस एम टू क्या लिख सकते हो आप, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एम वन माइनस एम टू जी बाय एम वन प्लस एम टू, यही एक्सेलरेशन होगा, इतना ही कि एक्सेलरेट करते हो ऊपर जाएगा, मैं इसे एक्सेलरेट करते हो नीचे, कंडीशन साफ है, बहुत आसान कंसेप्ट, बहुत आसान कंसेप्ट, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कंसेप्ट इतना क्लियर है यार, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होते, अपने तरीके से उसको करना, सॉल्व करना, देखना है, समझना है। तो देखते हैं ना सेकंड, तो सेकंड पार्ट जब हम देखेंगे तो मजेदार चीज है, कितना अच्छा चीज है यार, कभी कुआ से बाल्टी खींचा खींचा, लेट्स टेक, अगर बाल्टी 50 केजी का, बच्चा 10 केजी का, बाल्टी ऊपर आधे पर, बच्चा भी इधर पकड़े, जैसे हम छोड़ेंगे बच्चे को पकड़ने के लिए, बाल्टी बच्चे को खींच लेगा, रिक्वायर मोर मास, हमें ज्यादा मास चाहिए बाल्टी को खींच लेंगे गिरने के ऊपर, गिरने के ऊपर, पुल्ली उसको बोलते हैं, मोशन कनेक्टेड बॉडी है उसमें पुल्ली। तो जैसे ही आप देखेंगे इसका टेंशन कितना होगा, तो वैल्यू ऑफ ये निकला है ना, तो रखते हैं इसको इक्वेशन वन या टू, किसी में रखो आंसर आ जाएगा, तो रखते इक्वेशन वन या टू, तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन, रख देते हैं, तो जैसे ही रखोगे तो क्या आएगा, एम वन जी माइनस टी, यहाँ है एम वन ए की जगह पर है बाबू एम वन माइनस एम टू, यहाँ पर जी एम वन प्लस टी को इधर कर लेते हैं, टी को उधर कर लेते हैं, पूरे टर्म को इधर ला देते हैं, तो जैसे ही इस टर्म को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, एम वन जी माइनस और क्या हो जाएगा, एम वन का स्क्वायर, बिकॉज एम वन से एम वन बना देंगे जी माइनस, ये क्या हो जाएगा एम टू जी एम वन प्लस एम टू, अब बराबर इधर क्या, ठीक, तो देखते हैं ना दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एम वन का स्क्वायर जी यहाँ पर, ओहो सॉरी, एम वन एम टू जी, जस्ट देखेंगे एम वन जी से इसमें होगा थे, अब प्लस है तो प्लस ही तो दूसरा, तो एम वन एम टू जी, अभी इसका इसका वैल्यू लिखा तो माइनस एम वन जी अब प्लस एम वन एम टू जी, एम वन
प्लस एम टू बराबर टू, है ना। कटने वाला कौन कौन है, बहुत सिंपल हो गया। T इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वन एम टू जी, एम वन एम टू जी, दैट मीन्स टू एम वन एम टू जी, एम वन प्लस कंप्लीट। अंडरस्टैंड, ये हुआ पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और अगले डेरिवेशंस को देखेंगे अगले एपिसोड में, अगले पार्ट्स में। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट। आई एम अनेबल टू कम लाइव बिकॉज आई हैव नो 1000 सब्सक्राइबर राइट नाउ, दैट्स इट। ओके, वेट फॉर दैट। और समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आया ना, शेयर इट, समझ में।